करने जा रहे हैं। कृपा आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। मेरे द्वारा या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा आ हमारे किसी मृतक पूर्वज के द्वारा कभी किसी दरगाह मजार ओझा मौलवी भगत या किसी भूत प्रेत को सिद्ध करके चिकित्सा करने वाले व्यक्ति के द्वारा पूजा पाठ करके दी गई किसी भी प्रकार की वस्तु जैसे धागा तभी चादर फल भस्म जल मिठाई नारियल आदि को लाकर घर में रख दिया गया हो या खा लिया गया हो या जमीन के अंदर गाड़ दिया गया और उसका गंदा असर मुझ में तथा मेरे परिवार के सदस्यों में व्याप्त हो गया हो और वह असर रोग दोष पैदा करके शोक की स्थिति बनाता हो और इसकी गंदगी हम सब में शारीरिक मानसिक आर्थिक सामाजिक नुकसान चौपाती हो तो कृपा करके ऐसी गंदी वस्तु को जहाँ से ई उसका संबंध हो उस गंदे असर को वहीं भेजने की कृपा करें जहाँ से वह लाई गई हो और उसका संबंध हम सबसे विच्छेद करने की काटने की कृपा करें। आपसे विनती है कि यदि बची हुई गंदी वस्तु का गंदा असर मुझ में और मेरे परिवार के सदस्यों में तथा मेरे घर व मेरी रोजी रोटी से संबंधित संस्थानों के वातावरण में व्याप्त हो और हम सबको तंग करता हो तथा हमारी सुख समृद्धि में बाधक हो तो कृपा करके इस गंदे असर को हमारे ही शरीरों में खींच कर इसे अंतरिक्ष व पाताल लोक में भेज कर इसे निष्क्रिय या नष्ट करा के हम सबसे इसे सदा के लिए दूर करने की कृपा करें। हम सभी आपके सदा यही रहेंगे और दरबार के नियमों का पालन करते हुए सदैव सेवा करते रहेंगे।
भगवान भोलेनाथ को ध्यान करते रहे और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। अब आपका कर्ता असर खींचने लगा है, जब देव सर के काले बाल खींच खींच के आप चारों तरफ आने लगे हैं, अपने आप को रिलैक्स हो गए। एक एक कमरा देख जाने, जितने भी आपके घर हो, चाहे शहर में रहते हो या गांव में रहते हो, अपना एक एक कमरा देख लें। खास तौर से अपने पूजा करने के स्थान को जरूर देखें, क्योंकि सबसे ज्यादा गंदगी इसी पूजा घर में इकट्ठा रहती है। सबसे अधिक गंदगी इसी पूजा घर में, इसको देखने की कोशिश करें। पिछले दिन सारी गंदगी आने दें, अब आप लोग अपने अपने परिवार के उस सदस्य को ध्यान से देखने की कोशिश करें जिससे सबसे ज्यादा कष्ट हो और समस्या हो। अच्छी तरह से देखने की कोशिश करें उसका चेहरा, इसको अच्छी तरह से देखने के बाद स्वयं को भी अपने आप को भी देखने की कोशिश करें। इसके पश्चात अपने परिवार के एक एक सदस्य को ध्यान से देखने की कोशिश करें। ध्यान से देखते जाएं, आपके पास कुल 5 मिनट है। देखते जाएं, असर खिंचता रहेगा और अंतरिक्ष तथा पाताल लोक में जाता रहेगा। खिंचता रहेगा, असर खिंचने दे, जितना असर खींच सकता खिंचने दे, खींच जाने दे सारा असर। देखते जाए अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को साक्षी भाव से देखते रहे तथा मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। अब कुछ 4 मिनट शेष है। देखते जाए अपना घर, अपने परिवार के सदस्यों को, स्वयं को देखते जाए, देखते जाए, असर खिंच रहा है, खिंचने दें। आपको जो जमुआई आ रही है, खांसी आ रही है, ये सब असर खिंचने की निशानी है। सुस्ती आ रही है, शरीर झुकना चाह रहा है, ये सब गंदगी निकलने के आसार है। ये सब गंदगी निकल रही है, उसके चिन्ह है, जाने दें, निकल जाने दें सारी गंदगी, सब निकल जाने दें। आज एक मौका है गंदगी निकलने का, या गंदगी निकल जाने दें। अपने आप को ढीला छोड़ के रखे, सारी गंदगी निकल जाने दें। मनी मन प्रार्थना करते रहे दरबार से कि आपके असर की गंदगी खींच के उसे हमेशा के लिए आपसे अलग कर दिया जाए, आपके परिवार से अलग कर दिया जाए। जाने दें, 2.5 मिनट शेष,
सब जाने देगा मेरी सब गंदगी जाने दें। 2 मिनट शेष, केवल 2 मिनट शेष। सब गंदगी जाने दें। निकल जाने दें सारी गंदगी। जाने दे सारी गंदगी, सब गंदगी बाहर जाने दे। जो होता है होने दे, अपने को ढीला छोड़ दे। एक मिनट शेष, केवल 1 मिनट शेष। ढीला छोड़ दे अपने आप को। भगवान भोलेनाथ को साक्षी भाव से देखते रहे। अब केवल 30 सेकंड शेष। इस 30 सेकंड में आपको अपनी फंसी हुई ऊर्जा को खींच के बाहर फेंक देना है। इसके लिए आप जो भी मन करें, आप जैसे भी आपका मन करे, नाचे गाए रोए चिल्लाए
ध्यान आपकी हथेली यहाँ रखी है नाभि के ऊपर, जब कंपल होगा पूरा ध्यान वहीं पर रखना है। तो ओ निकालना है, उसके लिए पहले तैयारी, तीन श्वास ले सामान्य रूप से छोड़े, तीन बार श्वास ले और छोड़े। अब एक गहरी सांस ले, छोड़े, पुनः से एक गहरी सांस खींचे और मेरे साथ ध्वनि निकाले। Oh.
ऊपर रखें और अब हम आपको माँ की ध्वनि निकाल रहे हैं, लेकिन यह ध्वनि नाक से निकलेगी। इसके लिए आंखें बंद रहेंगी और पूरा ध्यान आपका इन्हीं हथेलियों के नीचे होने वाले कंपन पर गुंजन पर रहेगा, जो आपके सिर में गूंज होगी। दांतों में आपस में दूरी बनाए रखें, एक दूसरे पर जबड़ा ना रहे, बीच में गैप ना रहे। तो पुणे से पूरा ध्यान आप भी अपनी हथेलियों के नीचे होने वाले गुंजन पर। एक गहरी सांस खींचे और मेरे साथ ध्वनि निकालें। Namah Shivaya.
आपके चारों तरफ फैल रहा है, आपके शरीर के चारों तरफ, सिर से लेके पांव तक, पांव से लेके सिर तक, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है आपके, केवल प्रकाश। प्रकाश को महसूस करें, यह प्रकाश का एक बड़ा गोला बनता जा रहा है, चारों ओर प्रकाश बढ़ता जा रहा है, पूरे कमरे में आपको प्रकाश बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ। इस प्रकाश को गहराई से महसूस करें, यह प्रकाश बढ़ता ही जा रहा है, गंदगी घटती जा रही है, यह प्रकाश फैलता जा रहा है आपके चारों ओर। अब आपको अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें और अपनी आंखों पर रखें, ऐसे तीन बार करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, अपनी आंखें खोल दें। अब आपका आज का संकल्प